हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे राइबोसोम्स। जनरल स्ट्रक्चर करेंगे कि स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इसके अंदर बताया गया है और क्या क्या इसके अंदर आता है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड्स इनटू चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। राइबोसोम्स सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं और फंक्शन क्या करती हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आती है फ्रॉम द डीएनए उसको चेंज करके उसको अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस में पार्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। ये होती है राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। यहाँ पर ये एमआरएनए है, एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस के अंदर और इसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। और ये जो प्रोसेस यहाँ पर होता है दैट इज द ट्रांसलेशन कि एमआरएनए के आने के बाद जो ये सीक्वेंसिंग जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस यहाँ पर फॉर्मेशन होती है ऑन द राइबोसोम्स, ये जो प्रोसेस होता है दैट इज द ट्रांसलेशन। और इसके लिए क्या है, राइबोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होती है, इसके बिना सेल का सर्वाइवल बहुत रेयर होता है। तो मेनली अब इसके बारे में कंप्लीट देखेंगे कि राइबोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मशीनरी है इनसाइड द लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूस प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस और द ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन खुद में ही एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है और उसके लिए यूज हो रही है राइबोसोम्स जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मशीनरी है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ए प्राइमरी फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग सेल्स। हर एक लिविंग सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है और उसके लिए राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट हर एक लिविंग सेल को होती है। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर देखने को मिलती हैं। हर एक लिविंग सेल्स को राइबोसोम्स की जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो फंक्शन बाय बाइंडिंग ए मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए या फिर mRNA या फिर messenger ribonucleic acid, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है, mRNA भी बोला जाता है, messenger RNA भी बोला जाता है, messenger ribonucleic acid भी बोला जाता है, and decoding the information carried by the nucleotide sequence of the mRNA। और उसके साथ साथ क्या करेगा, tRNA आएगा, mRNA से sequence आई है, tRNA amino acids को लेकर आएगा, ribosomes के ऊपर क्या है उसको attachment करवाई जाएगी क्योंकि ribosomes के ऊपर क्या होती है acceptor sites होती है। जब वो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं तो अमीनो एसिड्स क्या है ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, वो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं जो टीआरएनए की थ्रू बनती हैं। ये सीक्वेंस में देखो, आप इसके अंदर देखोगे, ये देखो ये जो एमआरएनए है इसके पास क्या है, सीक्वेंस है कि हमें कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है, कौन से अमीनो एसिड्स का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। टीआरएनए क्या करता है, उस पार्टिकुलर अमीनो एसिड को लेकर आता है, राइबोसोम्स के ऊपर ये एक्सेप्टर साइट्स होती हैं जहां पर ये सीक्वेंसिंग है जो अमीनो एसिड्स की, ये कंप्लीट क्या है फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो इसके लिए क्या है, राइबोसोम्स की जरूरत होती है प्लेसमेंट के लिए। राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स आरएनए एंड द प्रोटीन, देयरफॉर नोन एज द राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम्स किससे मिलकर बनता है, आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो खुद के लिए भी क्या सिंथेसाइज करना होता है प्रोटीन। इट इज द कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, राइबोसोम्स की दो ही सब यूनिट होती हैं, वन इज द स्मॉलर एंड वन इज द लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो एमआरएनए के साथ बाइंड करती है और डिकोड करती है कि कौन सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां पर प्रेजेंट है और कौन सा पर्टिकुलर जेनेटिक कोड वहां पर प्रेजेंट है जिसके लिए टीआरएनए को अमीनो एसिड लेकर आना है। और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करती है। दोनों सब यूनिट्स आपस में बाइंड करती हैं। बोथ द सब यूनिट्स कंटेन बोथ प्रोटीन एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट। एक ही टाइम पर वहां पर डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए या तो एमआरएनए की फॉर्म में है या फिर वो टीआरएनए की फॉर्म में है और आरआरएनए की फॉर्म में, एक ही टाइम पर तीनों टाइप्स के आरएनए वहां पर प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज भी होता है। तो ये क्या है, राइबोसोम्स की हेल्प करते हैं वहां पर। टू सब यूनिट्स जो आपस में ज्वाइन करती हैं, इंट्रैक्शन होते हैं उनके बीच में, इसके थ्रू होते हैं आरआरएनए इसके थ्रू इन वन सब यूनिट एंड द प्रोटीन इन द अदर सब यूनिट। एक सब यूनिट के ऊपर क्या होता है, आरआरएनए होता है, दूसरी सब यूनिट के साथ क्या है प्रोटीन होता है और आपस में वो इंट्रैक्ट करते हैं।
राइबोसोम्स क्या वहां पर प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं जब वो फ्री होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। जब फंक्शनली करते हैं तो दोनों की दोनों सब यूनिट ज्वाइन करके कहां चली जाती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चली जाती हैं। ये पहले भी बताया है कि उसको हम क्या बोलते हैं, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स क्या है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो वो क्या है, आरईआर उसको हम अनाउंस करते हैं। तो फ्री जब होती हैं तो वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब अटैच कर जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाते हैं। राइबोसोम्स में इसके साथ साथ क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन द टू एरियाज ऑफ द साइटोप्लाज्म, स्कैटर भी हो सकते हैं, वो मेनली स्कैटरिंग फॉर्म में वहां पर होते हैं, और दूसरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब फ्री होते हैं तो वो साइटोप्लाज्म में स्कैटरिंग फॉर्म में होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास 70S राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स के पास 80S राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या है, डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। अबाउट 62% ऑफ राइबोसोम्स कंप्राइज्ड ऑफ आरएनए व्हाइल द रेस्ट इन द प्रोटीन। कि अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो उसमें उसका 62% पार्ट जो होता है वो आरएनए से मिलकर बनता है, उसमें भी पार्टिकुलर आरआरएनए, और बाकी जो पार्ट होता है वो उसका प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन और आरआरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री एंड बाउंड राइबोसोम इज सिमिलर एंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर फ्री राइबोसोम्स जब साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं तब भी उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है, तब भी वो क्या है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जब वो बाउंड कर जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तब भी क्या करते हैं, वो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, सिर्फ उनकी क्या है, इंट्रैक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एमआरएनए। ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, एमआरएनए प्रेजेंट है, ये इसकी लार्ज सब यूनिट है, ये इसकी क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है टीआरएनए जो क्या कर रहा है, अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहा है, ये एक एक अमीनो एसिड को लेकर आता है, ये एक सीक्वेंसिंग है, ये आफ्टर सीक्वेंसिंग है, जब एक ये क्या है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के बाद दिखाया गया है कि लेकिन एक टीआरएनए सिर्फ एक ही अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। राइबोसोम्स की ये लार्ज सब यूनिट है, तो इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि एमआरएनए की स्मॉल सब यूनिट के साथ कौन बाइंड करता है, सॉरी राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ कौन बाइंड करता है, एमआरएनए, और लार्ज सब यूनिट के साथ कौन बाइंड करता है, टीआरएनए, और वहां पर क्या ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन स्मॉल सब यूनिट के ऊपर होती है या लार्ज सब यूनिट के ऊपर होती है, इंट्रैक्शंस कैसे होते हैं, वो सब होते हैं। अगर बीएससी के अगर लिए आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना होता है कि किस तरीके से कौन किसके साथ अटैचमेंट करता है। एंट्रेंस पार्ट ऑफ व्यू से इसमें पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ प्रेजेंट होती है, टीआरएनए किसके साथ बाइंड करता है, एमआरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब सब यूनिट्स होते हैं। अगर हम पार्टिकुलर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के डिफरेंसेस देखते हैं तो हम प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है उसकी लार्ज सब यूनिट 50S की सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S की होती है। एस होता है इसके अंदर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर लार्ज सब यूनिट 60S की होती है और स्मॉल सब यूनिट 40S की होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, उनकी भी फॉर्मेशन क्या है, कंप्लीट होती है इसके अंदर। जो 50S की सब यूनिट होती है वो दो टाइप के आरएनए से मिलकर बनती है, 5S आरआरएनए और 30S आरआरएनए, और उसके साथ 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिलकर क्या है 50S टाइप ऑफ सब यूनिट है जो प्रोकैरियोट्स की उसकी फॉर्मेशन करते हैं। 30S सब यूनिट जो होती है उसके अंदर 16S आरआरएनए होता है, 21 टाइप्स के उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यह आपको प्रोटीन की सिक्वेंसिंग भी अच्छे से याद रखनी है कि किसके अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं। लार्ज सब यूनिट है तो ज्यादा प्रोटीन्स हैं, स्मॉल सब यूनिट है तो कम प्रोटीन्स हैं, और सीक्वेंसिंग आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसके अंदर 30S आरआरएनए और 5S आरआरएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल सब यूनिट के अंदर 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। यहां बात करते हैं अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, तो 60S जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या है, 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए इनसे मिलकर बनती है, और उसके साथ साथ उसमें क्या है 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर 40S सब यूनिट्स की बात करते हैं तो वो 18S आरआरएनए से मिलकर बनती है, और वहां उसके साथ साथ 33 टाइप्स के प्रोटीन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं।
इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनसे सीक्वेंसिंग पूछी जाती है कि 60S 50S सब यूनिट्स को कौन फॉर्मेशन कर रहा है, कौन से टाइप ऑफ आरएनए है, कौन से प्रोटीन्स हैं। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग्स होता है कि इसके साथ 50S सब यूनिट के साथ कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, 60S के साथ कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं। याद कैसे करोगे, 50 में क्या है 34 है और 30 में क्या है 21 है, 60 में 50 है, 40 में 33 है। मतलब क्या है कि जिस सब यूनिट्स में आप बात कर रहे हो उसमें उससे कम है। 50 में 34, 30 में 21, 60 में 50, 40 में 33। तो ये क्या है, इसके डिफरेंसेस होते हैं। इनमें आप याद ध्यान से देखोगे तो क्या देखो, 5S RNA, इसमें भी 5S RNA है और इसमें क्या 23S RNA है, लेकिन यहाँ पर क्या 28 और उसके साथ साथ क्या 5.8S RNA है। यहाँ पर क्या है 30 सब यूनिट्स जो है 70 के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर 16S RNA से मिलकर बनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो 18S RNA से मिलकर बनी है। ये क्या पार्टिकुलर डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स के हम फंक्शन की बात करते हैं, शुरू से ही फंक्शन की बात करते आ रहे हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है हेल्प करते हैं। इट असेंबल्स अमीनो एसिड्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शंस। प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में क्या ये हेल्प करते हैं। डीएनए प्रोड्यूस क्या करता है एमआरएनए, और एमआरएनए के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जब एमआरएनए वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर में ये क्या साइटोप्लाज्मा के अंदर आएगा और वहां पर क्या प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। राइबोसोमल सब यूनिट्स जो होती हैं वो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, वो आपस में बाउंड करेंगी पहले एमआरएनए के साथ और बाद में टीआरएनए क्या करेगा उनको अमीनो एसिड्स लेकर आएगा और प्रोटीन क्या है सिंथेसाइज होगा। प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्मा आर यूटिलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। साइटोप्लाज्मा में प्रोटीन सिंथेसिस होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है मेनली। जो प्रोटीन वहां पर सिंथेसाइज होगा वो बाउंड राइबोसोम्स के साथ ट्रांसपोर्ट कहां कर जाएगा आउटसाइड द सेल, उसके बाद उसका क्या है ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, उसकी जो फॉर्मेशन है उसके साथ है, जो उसकी मॉडिफिकेशन है वो सभी क्या होंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसमें मेनली टॉपिक्स रह जाते हैं आपका इसके कुछ बायोजेनेसिस कैसे हुई है और मेनली इसकी स्ट्रक्चर क्या है वो एक टॉपिक है, उसके एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके कोई डाउट्स हैं वो क्या है अपने कमेंट बॉक्स में बता सकता है।